Good morning all of you, welcome to my YouTube channel Engineer Sadhar. Last lecture में हमने accessories के बारे में कुछ पढ़ा. Accessories में हमने maximum portion cover कर लिया था. वहाँ पर coupling पढ़ा था, fitting पढ़ा था, flange पढ़ा था. जो भी हमारा pipe होता है, hose होता है, वो क्या होता है वो हमने वहाँ पर देखा था. क्या material use होते हैं वो भी हमने देखा था. कुछ portion हमारा accessories का remaining बचा हुआ था, वहाँ पर remaining था, तो उसको हम लोग इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीट करने वाले हैं. तो देखते हैं, शुरू करते हैं अपना. फर्स्ट टॉपिक क्या है आज का देखते हैं. एसेसरीज़ का हम लोग लास्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमारा सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा. हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्ड यूनिट में इन करेंगे, जो हमारा हाइड्रोलिक सर्किट से रिलेटेड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो आज हमारा ये सेकेंड यूनिट का लास्ट लेक्चर है, शुरू करते हैं. फर्स्ट हमारा वाइल फिल्टर. जब हम लोगों ने पढ़ा था, स्टार्टिंग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर हमने देखा था रिजर्वायर के बाद एक फ़िल्टर लगा हुआ था, फ़िल्टर के बाद फिर पंप लगा हुआ था. तो वही हमने देखना है कि फ़िल्टर क्या होता है, कहाँ कहाँ पर फ़िल्टर लगा होता है, उसका क्या काम होता है, वो हमने यहाँ पर देखना है. तो हम लोगों को पहले से भी पता है फ़िल्टर का क्या काम होता है. जो भी कॉन्टमिनेशन होता है, जो भी अनडिज़ायरेबल पार्टिकल, अगर पार्टिकल कुछ है उसमें कोई डर्ट है, तो उसको हमें रिमूव करना है, तो हम लोग वहाँ पर फ़िल्टर का यूज़ करते हैं. होता क्या है कि क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है उसमें कॉस्टली इक्विपमेंट लगे होते हैं, पंप लगा हुआ होता है, डिफरेंट टाइप का कंट्रोल वाल्व लगा हुआ होता है, तो वाल्व काफ़ी कॉस्टली होता है. तो अगर उसमें कुछ पार्टिकल इन करता है तो एक तो उसका फंक्शन भी ख़राब होगा, सही से उसका हम लोग आउटपुट नहीं मिलेगा, और वहाँ पर चांसेस होते हैं वो हमारा डैमेज हो जाए. जैसे पंप में अगर इन कर जाए कुछ पार्टिकल, तो हो सकता है वो डैमेज हो जाए, पंप सही से वर्क नहीं कर पाए, तो फिर हम लोग को पंप को रिप्लेस करना होगा, पंप को हटाना होगा, हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, सिस्टम काम करना रुक जाएगा. वहाँ पर पंप को हटा कर फिर दूसरा पंप लगाना होगा, तो हमारा वर्क भी इफ़ेक्ट होगा, उससे आउटपुट भी इफ़ेक्ट होगा, और कॉस्ट भी हमारा फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर नया पंप लगाना होगा. उस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ वाल्व लगे होते हैं, वाल्व भी काफ़ी कॉस्टली होते हैं, बहुत छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं. अगर उसमें कुछ पार्टिकल आकर उसमें फंस गया, या फिर किसी चीज़ को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, वो भी हमारा डैमेज हो जाएगा. और फिर एक्चुएटर भी हमारा काफ़ी कॉस्टली होता है, जो मूवमेंट होता है, अगर उसके मूवमेंट में इफेक्ट हो गया या फिर लॉक कर दिया उसको, तो वो भी इफेक्ट होगा. इसलिए फ़िल्टर का हम लोग वाइल्ड फ़िल्टर का यूज़ करते हैं यहाँ पर. तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, वाइल्ड फ़िल्टर आर यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम टू रिमूव पार्टिकल्स कॉन्टेमिनेशन. वही जो अभी मैंने डिस्कस किया, पार्टिकल कॉन्टेमिनेशन, अगर कुछ पार्टिकल उसमें मिले हुए हैं वाइल में पहले से, अगर मौजूद है, हो सकता है वाइल तो क्लियर करके ही लाया जाएगा, लेकिन अगर गलती से बाय द वे कुछ रह ही गया है, तो उसको भी रिस्क लेने से अच्छा है कि हम अगर एक फ़िल्टर लगाते हैं तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा. वैसे जो वाइल हम लोग यूज़ करेंगे वो तो ऑलरेडी क्लीन करके ही आएगा अपने पास, क्योंकि कोई भी तो वाइल हम लोग यूज़ करने ही लेंगे, उसके लिए अलग वाइल ही आता है. लेकिन फिर भी अगर कोई पार्टिकल रिमेनिंग अगर उसमें रह भी गया हो, सही से किसी की लापरवाही की वजह से उसमें नहीं क्लीन हो पाया हो, तो उसको भी वो रिमूव करेगा वाइल फ़िल्टर. सेकेंड पॉइंट बोल रहा है, इट हेल्प्स टू रिमूव द पार्टिकल्स एंड क्लीन द वायल ऑन द कंटिन्यूस बेसिस. कंटिन्यूस बेसिस पे ये वायल को क्लीन करते रहता है, पार्टिकल को रिमूव करते रहता है, वही चीज़ है. थर्ड देखते हैं, इट प्रोटेक्ट्स हाइड्रोलिक सिस्टम कंपोनेंट्स फ्रॉम डैमेज ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ वायल और अदर फ्लूड इन यूज काउज बाई पार्टिकल. जो अदर वायल होता है और फ्लूड होता है, उसमें जो कंटेमिनेशन ऑफ पार्टिकल होता है, उससे डैमेज होने से कंपोनेंट को बचाता है. कंपोनेंट जो है उसमें वो डैमेज नहीं होगा उन पार्टिकल्स की वजह से, उसको वो रिमूव कर देगा वायल फिल्टर. तो वायल फिल्टर का मेन काम यही है कि जो भी पार्टिकल है उसको रिमूव करके जो एक कंपोनेंट्स है उसको डैमेज होने से बचाता है. तो सेकंड इसका स्लाइड देखते हैं, कहाँ कहाँ लगा होता है वो हमने यहाँ पर देखना है वायल फिल्टर. वहाँ पर हमने जो बेसिक डायग्राम देखे थे, वहाँ पर सिर्फ हमने देखा था कि रिजर्वायर के बाद हमने लगा दिया था, टैंक के बाद हमने एक फ़िल्टर लगा दिया था, फ़िल्टर करके वो पंप में जा रहा था. यहाँ पर उसका कुछ वेरिएशन देखेंगे. यहाँ पर फर्स्ट क्या है, पंप साइड फ़िल्टर. पंप साइड फ़िल्टर मतलब बिफोर पंप, पंप के पहले एक फ़िल्टर लगा हुआ होता है. दिस फिल्टर आर डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द पंप फ्रॉम हार्मफुल कॉन्टामिनेंट्स दैट आर विद इन हाइड्रोलिक सिस्टम. जो हाइड्रोलिक सिस्टम विद इन हाइड्रोलिक फ्लूड में जो कॉन्टामिनेट्स होते हैं, जो पार्टिकल्स उसमें होते हैं, उसके जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, वो चाहे जाएगा तो पंप को डैमेज कर सकता है. तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो टैंक होता है, रिजर्वायर के बाद एक फ़िल्टर यहाँ पे लगा देते हैं. फ़िल्टर के बाद फिर पंप यहाँ पे लगा होता है. तो जो भी पार्टिकल यहाँ, जो भी फ्लूड या वायल वहाँ से जाएगा फ़िल्टर से होते हुए, वो फ़िल्टर उसको क्लीन कर देगा और पंप में वहाँ इन हो जाएगा. तो वही लिख रहा है, सक्शन साइड फ़िल्टर मतलब पंप में जो सक्शन होता है उसके साइड में हमारा फ़िल्टर लगा होता है, उसके बाद फिर पंप में वहाँ इन करता है. सेकंड बोल रहा है, प्रेशर साइड फ़िल्टर. प्रेशर साइड फ़िल्टर मतलब पंप के बाद हो गया, आफ्टर द पंप. तो आफ्टर द पंप लगाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि पंप के पहले तो हम लोग फ़िल्टर लगा चुके हैं, पंप के बाद लगाने की क्या ज़रूरत है. यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि पंप के बाद फिर क्यों लगाते हैं.
जैसे होता क्या है कि कभी कभी पंप वर्क कर रहा है, पंप में हो सकता है कुछ वियर हो जाए, कुछ पार्टिकल वहाँ से रिमूव हो जाए, कंटिन्यूस रोटेशन हो रहा है वहाँ पर, रोटेशन की वजह से हो सकता है कोई पार्टिकल टूट के निकल जाए या फिर कुछ वियर ही हो जाए उसमें अंदर के मटेरियल में, तो वो वायल में फ़्लो हो जाएगा, वायल में फ़्लो होकर बाहर आ जाएगा, बाहर हो जाएगा तो वो वहाँ के बाद फिर वो बहुत सारे वाल्व में जाता है। जैसे वहाँ पर प्रेशर कंट्रोल वाल्व होता है, फिर उसके बाद डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व लगा होता है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के बाद फ़्लो कंट्रोल वाल्व लगा होता है। तो पंप के बाद भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जो कॉस्टली कंपोनेंट लगे होते हैं, उसको वो डैमेज कर सकता है। चांसेस है नहीं के बराबर होगा, लेकिन अगर होगा तो फिर रिस्क लेने से कोई बेनिफिट तो है नहीं। इसलिए क्या करते हैं कि पंप के बाद भी एक हम लोग फिल्टर लगा देते हैं। अगर पंप में वियर हो जाए या पंप में कुछ डैमेज होने की वजह से पंप का कुछ पार्टिकल टूट जाए अंदर से, कुछ सरफेस से कुछ पार्टिकल, कुछ मटेरियल रिमूव होकर वायल में मिल जाए, कंटिन्यूसली रोटेशन होते रहता है अंदर में वहाँ पर, तो हो सकता है चांसेस है 0.1% भी चांसेस है या 0.01% भी चांसेस है, तो फिर भी हमारा जो आगे का इक्विपमेंट है उसको डैमेज कर देगा वो। अगर वहाँ से पंप से रिमूव होकर पार्टिकल गया तो आगे का हमारा कंपोनेंट डैमेज हो जाएगा, जिससे हमारा फंक्शन इफेक्ट हो जाएगा, हमारा आउटपुट इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वायल फिल्टर एक पंप के पहले भी लगा देते हैं सक्शन साइड, एक प्रेशर साइड भी हम लोग वायल फिल्टर लगा देते हैं। उसके बाद बोल रहा है रिटर्न साइड फिल्टर। रिटर्न साइड फिल्टर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि सारा फंक्शन होने के बाद एक्चुएटर हमारा सारा फंक्शन कर दिया, हमारा ये जो कंट्रोल वाल्व है वहाँ से फ्लूड गया, फ्लूड के बाद एक्चुएटर में गया। अब एक्चुएटर से जो फ्लूड टैंक में आता है तो वहाँ पर भी सेम कंसेप्ट होता है कि एक्चुएटर में अगर, या हमारा जो कंपोनेंट्स है वहाँ पर, जो भी हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स थे, जो एक्चुएटर थे वहाँ पर, जो मूवमेंट होने की वजह से जो वायल गया है उसमें अगर वियर्स होने की वजह से अगर कुछ पार्टिकल रिमूव होकर वायल में मिल गया हो, तो वो टैंक में वापस ना आ जाए, टैंक में आएगा तो फिर टैंक से फिर हमारा पंप में जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर भी सेफ्टी के लिए, हम लोग टैंक में भी ना आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही उसको रिमूव कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक्चुएटर के बाद हम लोग जो रिटर्निंग जो फ्लूड आता है, हम लोगों ने बहुत सर्किट पहले देखा था, एक्चुएटर के बाद जो रिटर्निंग फ्लूड आता है वहाँ पर हम लोग लगा देते हैं। जैसे क्या होता है, एक्चुएटर यहाँ होता है, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, मान लीजिए फ्लूड यहाँ से इन कर रहा है और फ्लूड यहाँ से आउट होकर हमारा टैंक में जा रहा है, ऐसे टैंक में जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा देंगे। क्या होगा कि जब यहाँ से फ्लूड इन करेगा, ये पिस्टन आगे मूव करेगा, तो फ्लूड यहाँ से वापस आना चाहिए, तो वो फ़िल्टर होकर वहाँ पर वापस टैंक में आएगा, फिर टैंक से हमारा ऐसे आगे जाने वाला है। तो ऑलरेडी हम लोग ये सब देखे हुए हैं। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि रिटर्न साइड फ़िल्टर क्या होता है कि दिस फिल्टर्स आर डिज़ाइन टू कैप्चर वियर डेब्रिज फ्रॉम हाइड्रोलिक सिस्टम वर्किंग कंपोनेंट्स बिफोर रिटर्निंग द टैंक फ्लूड फ्लूड बैक टू द रिजर्वायर। मतलब रिजर्वायर में आने से पहले क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर उसको रिटर्न साइड फिल्टर लगा देते हैं। और फिल्टर लगाने से क्या होता है, वहाँ पर जो भी वियर डेब्रिस है, जो वियर हो गया है वो पार्टिकल वहाँ अंदर में अगर वियर हो भी गया हो तो वहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो हम लोग थ्री टाइप का वहाँ पर फिल्टर यूज़ करते हैं, एक पंप के सेक्शन के पहले, एक पंप के सेक्शन के बाद, और एक टैंक में आने से पहले मतलब एक्चुएटर के बाद हम लगा देते हैं। जो भी फ्लूड, जो भी वायल हमारा एक्चुएटर में आ रहा होगा वो उसको रिमूव कर देगा। आगे देखते हैं वायल फिल्टर कैसा होता है वो देख लेते हैं। ये हमारा वायल फिल्टर है, ऐसा ही वायल फिल्टर लगा हुआ होता है, इसमें भी वेरिएशन है, कहीं पर देख रहे हैं ऐसा मटेरियल का लगा हुआ है, कहीं पर ऐसा मटेरियल का लगा हुआ है, जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसे हिसाब से लगाते हैं। ये हमारा वायल फिल्टर है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमने पढ़ना है गैस्केट। गैस्केट आप पहले भी देखे होंगे, आप कहीं पर भी जो जनरेटर कहीं पर आप देखे होंगे, टाइट होता है जहाँ पर जनरेटर को असेंबल करते हैं, वहाँ पर आप गैस्केट का यूज़ देखे होंगे। जो भी लोग जनरेटर को असेंबल होते हुए देखे होंगे, जो घरों में जनरेटर होता है, जो डीजल इंजन हम लोग यूज़ करते हैं एज ए फार्मिंग के लिए, पानी को पटाने के लिए एग्रीकल्चर में, वहाँ पर भी आप देखे होंगे वहाँ पर गैस्केट का यूज़ होता है। तो देख लेते हैं गैस्केट क्या होता है। गैस्केट क्या होता है कि अगर जो कोई भी मीटिंग गियर है, जैसे असेंबल करते हैं असेंबली के टाइम क्या होता है, या फिर आप बाइक में भी आप देखे होंगे इसको, असेंबल के टाइम क्या होता है, जब दो मटेरियल को या दो इक्विपमेंट को आपस में असेंबल करके उसको स्क्रू से टाइट किया जाता है, तो बीच में जो गैप होता है थोड़ा बहुत, बहुत माइक्रोन में गैप होगा, तो उसको भी वो फील करना करना होता है, क्योंकि वहाँ से लीकेज हो सकता है। जैसे कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर आप देखे होंगे, कार्बोरेटर का जो एक आप समझ लो कि कर्व टाइप का एक अंदर में होल रहता है, कटोरी टाइप का रहता है, एक नीचे से रहता है एक ऊपर से रहता है, और दोनों को असेंबल किया जाता है स्क्रू से। तो जो बीच में जो गैप होगा वहाँ से पेट्रोल या डीजल क्या हो सकता है, पेट्रोल वहाँ से लीक हो सकता है, पेट्रोल इंजन में ही कार्बोरेटर यूज़ करते हैं, तो पेट्रोल वहाँ से लीक हो सकता है। तो वहाँ पर हम एक गैस्केट लगा देते हैं, एक रबर जैसा लगा देते हैं, या फिर मेटल का होगा मेटल का लगा देते हैं, वो देखेंगे आगे जैसे वेरिएशन होगा उस हिसाब से। तो वहाँ पर एक गैस्केट हम लोग लगा देते हैं। तो गैस्केट क्या होता है, गैस्केट होता है, गैस्केट इज़ अ मैकेनिकल सील विच फील्स
द स्पेस बिटवीन टू और मोर मेटिंग सरफेस टू प्रिवेंट लीकेज. अगर एक से ज़्यादा कोई मेटिंग सरफेस आपस में मिल रहा है और वहाँ पर फ्लूड का फ्लो हो रहा है और फ्लूड वहाँ से क्रॉस होना चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग गैसकेट का यूज़ करते हैं. जैसे हम लोग दो पाइप है, दो पाइप को हम लोग लास्ट क्लास में देखा था, हमने एक फ्लैंज लगाया था, फ्लैंज लगाकर हमने टाइट किया था. तो फ्लैंज जहाँ पर मेट हो रहा है, दोनों मिल रहा है, इधर का पार्ट और लेफ्ट साइड का पार्ट और राइट साइड का पार्ट, तो बीच में हम लोग गैसकेट लगाकर वहाँ से स्क्रू से टाइट करते हैं कि अगर बाय द वे प्रेशर हाई हो तो क्या हो सकता है कि फ्लूड जो होगा फ्लैंज से थोड़ा सा लीकेज हो सकता है. तो वहाँ पर हमने क्या करना है, गैसकेट लगा देंगे. आगे हम लोग फोटो देखेंगे, डायग्राम देखेंगे कैसा होता है. सेकंड पॉइंट देखते हैं, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गैसकेट इज़ टू सील द इररेगुलरिटीज ऑफ इच फेस ऑफ फ्लैंज सो दैट देयर विल बी नो लीकेज ऑफ द सर्विस फ्लूड फ्रॉम द फ्लैंज जॉइंट. जहाँ पर फ्लैंज जॉइंट होता है, अभी मैंने डिस्कस किया, फ्लैंज जॉइंट होता है तो वहाँ पर सरफेस में आपस में हो सकता है थोड़ा बहुत इररेगुलरिटीज़ हो, जिसकी वजह से क्या होता है कुछ फ्लूड वहाँ से लीकेज हो सकता है. तो कुछ फ्लूड को लीकेज होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एक गैसकेट लगा देते हैं जो क्या करता है, जो दोनों फ्लैंज को आपस में सील पैक या लीक प्रूफ जॉइंट देता है, जहाँ पर फ्लूड का लीकेज नहीं के बराबर होता है वहाँ. इसलिए हम लोग वहाँ पर गैसकेट यूज़ करते हैं. कहीं पर आप देखे होंगे डीजल इंजन कहीं पर टाइट होते रहता है या उसको असेंबल करते रहते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारा गैसकेट हम लोग लगाते हैं. बहुत लोग क्या करते हैं, अगर गैसकेट का कमी होता है तो कुछ नॉर्मल मटेरियल को ही उस शेप में कट करके वहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं, वही गैसकेट होता है. आगे देखते हैं, अब गैसकेट कौन कौन से मटेरियल का होता है वो देख लेते हैं. गैसकेट क्या होता है, नॉन मेटेलिक गैसकेट भी हो सकता है जो काफ़ी सॉफ्ट होता है. कौन कौन सा एग्जांपल है, ग्रेफाइट हो सकता है, रबर का हो सकता है, टेफ्लॉन का. बहुत जगह रबर का यूज़ करते हैं जहाँ पर प्रेशर बहुत कम यूज़ होता है. जैसे कार्बोरेटर में जो होता है वो जनरली रबर का गैसकेट यूज़ करते हैं. आप देखो होगे कहीं पर, अगर आप कार्बोरेटर खुलवाए होगे तो वहाँ पर एक ब्लैक कलर का एक रिंग टाइप का होता है, वही हमारा गैसकेट होता है. तो ग्रेफाइट, रबर, टेफ्लॉन का हो सकता है, एस्बेस्टस का हो सकता है, कॉर का हो सकता है. तो ये सब जो होता है वो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं. जहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर बहुत कम है वहाँ पर हम लोग इसी का यूज़ करते हैं. लेकिन अगर हम लोग सिलेंडर में अगर लगाएं, जो हमारा सिलेंडर कार्बोरेट जो सिलेंडर हमारा आईसी इंजन में यूज़ होता है, वहाँ पर अगर गैसकेट लगता है, क्योंकि वहाँ पर भी सिलेंडर ब्लॉक है और सिलेंडर है आपस में असेंबल किया जाता है, वहाँ पर अगर हम लोग गैसकेट यूज़ करेंगे तो वहाँ पर ये सॉफ्ट मटेरियल का गैसकेट यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, वो वहाँ पर मेल्ट हो सकता है. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर फिर मेटालिक गैसकेट लगाते हैं या फिर कंपोजिट गैसकेट लगाते हैं. मेटालिक गैसकेट क्या होता है, वहाँ मेटालिक गैसकेट का एग्जांपल सॉफ्ट आयरन मटेरियल का हो सकता है, लो कार्बन स्टील का हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का हो सकता है, मोनोइल और इनकोनल मटेरियल का हो सकता है. फॉर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के लिए, हाई प्रेशर जहाँ पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है, वहाँ पर हम लोग मोनोइल और इनकोनल मटेरियल का यूज़ करते हैं. मोनोइल और इनकोनल क्या होता है, एक तरह का एलॉय होता है. ये सब हमारा मेटालिक गैसकेट है. उसके बाद कंपोजिट गैसकेट देखेंगे. कंपोजिट गैसकेट क्या होता है, कंपोजिट गैसकेट वैसा गैसकेट होता है जहाँ पर कम्बिनेशन होता है मेटल और नॉन मेटल मटेरियल का. जहाँ पर हम लोग को ज़रूरत है कि बीच में हम लोगों को इसका प्रॉपर्टीज चाहिए, तो हम लोग मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके काम कर लेते हैं, जिससे हमारा बीच का प्रॉपर्टी मिल जाता है. मेटल का भी मिल जाता है कुछ, और कुछ नॉन मेटल का भी मिल जाता है, जहाँ पर हम लोग बीच का रिक्वायरमेंट. जहाँ पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हम लोग मेटालिक गैसकेट यूज़ करते हैं. जहाँ पर लो प्रेशर लो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हम लोग सॉफ्ट यूज़ करते हैं. तो हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर काफ़ी हाई होता है, तो वहाँ पर हम लोग नॉन मेटल तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, कंपोजिट या फिर मेटालिक गैसकेट हम लोग यूज़ कर पाएंगे. आगे देखते हैं, इसका इमेज देख लेते हैं कैसा होता है. ये हमारा गैसकेट है, ऐसा आप देखे होंगे, जनरली आपको ऐसा नज़र आया होगा, ऐसा गैसकेट आपको हमेशा नज़र आता है. इस टाइप का तो मेटल वाला नज़र नहीं आता, इस टाइप का और इस टाइप का. सिलेंडर के लिए ये आप देखे होंगे, सिलेंडर में ऐसा ऐसा नज़र आता है. ये हमारा गैसकेट है, दो मेटिंग जो इक्विपमेंट होता है उसके बीच में लीक प्रूफ ज्वाइंट देने के लिए देता है. ये हमारा मेटालिक गैसकेट है, ये हमारा नॉन मेटालिक बीच वाला है, और साइड वाला जो राइट साइड है वो कंपोजिट गैसकेट है. ऐसा गैसकेट आपने देखा होगा, बहुत जगह नज़र आता है, बस ध्यान में नहीं रहता, उसको गैसकेट बोलते हैं. ये था हमारा इक्विपमेंट, जो भी एक्सेसरीज था वो हमने पढ़ लिया. अब हमने एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है, जो एक्यूमुलेटर पढ़ना है. हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या होता है वो हमने यहाँ पर देखना है. देखते हैं हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर के बारे में क्या होता है. एक्यूमुलेटर या हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर एक इलेक्ट्रिकल का भी पार्ट है लेकिन वो अलग है. यहाँ पर हम लोग हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर पढ़ रहे हैं. तो एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक तरह का समझ लीजिए आप, रिचार्जेबल बैटरी है. अगर सर्किट में बैटरी का मतलब अगर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है तब वो सप्लाई करता है. समझ लीजिए एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है. यहाँ पर हम लोग हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर पढ़ रहे हैं, तो वो एक तरह का हाइड्रोलिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है. होता क्या है कि जब कभी भी एक्चुएटर जो मूविंग एलिमेंट होता है, एक्चुएटर जहाँ से हम लोग को आउटपुट मिलता है, एक्चुएटर का अगर एक्चुएटर वर्क करता है तो सिस्टम में सडनली थोड़ा सा प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है. जो हमारा पाइपलाइन होता है उसमें सडनली प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, तो उस इंस्टेंट पे हम लोग को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है. तो वो एनर्जी कौन सप्लाई करता है, वो हमारा एक्यूमुलेटर सप्लाई करता है. इसका एग्जांपल आप इससे भी ले सकते हो, आप थ्योरी ऑफ मशीन पढ़े होंगे, वहाँ पर फ्लाईव्हील नज़र आता है. फ्लाईव्हील में आपने देखा होगा कि जब भी सिस्टम पर लोड सडनली बढ़ता है या फिर वेरिएशन होता है, वहाँ पर कभी
आप लोगों को पावर स्ट्रोक मिल रहा है, कभी रिटर्न स्ट्रोक मिल रहा है, तो पावर स्ट्रोक में तो एनर्जी मिल रही है लेकिन रिटर्न स्ट्रोक जो हो रहा है या कंप्रेशन स्ट्रोक जो हो रहा है वहाँ पर हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलता है। तो वहाँ पर एनर्जी कौन सा अप्लाई करता है, वहाँ पर एक तरह का जो फ्लाईव्हील लगा हुआ होता है वो हमारा उसको कोशिश करता है कि फ्लक्चुएशन को नॉर्मल कर दे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है लेकिन उसको वो पूरी तरह से कोशिश करता है जब भी हम लोग को पावर स्टॉक में एनर्जी जो ज़्यादा मिलता है उसको वो एब्जॉर्व कर लेता है और फिर जो रिटर्न स्टॉक में या कंप्रेशन स्टॉक में ज़रूरत होता है वहाँ पर वो सप्लाई करता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। एक्युमुलेटर क्या होता है कि एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है, एनर्जी को जो स्टोर करता है वो है एक्युमुलेटर, हाइड्रोलिक एक्युमुलेटर। यहाँ पर हाइड्रोलिक एनर्जी को स्टोर किया जाता है। जब कभी भी जो एक्चुएटर एक्युमुलेटर एक्चुएटर अलग अलग है। एक्चुएटर क्या होता है, एक्चुएटर हमने देखा है रोटरी एक्चुएटर, सिंगल सिलेंडर एक्चुएटर, डबल सिलेंडर एक्चुएटर। तो जब एक्चुएटर वर्क करता है तो उस केस में क्या होता है कि जब वर्क करता है लोड उस पर ज़्यादा होता है तो जो फ्लूड सप्लाई होता है फ्लूड के प्रेशर से वो मूव करता है आगे, तो उस टाइम क्या होता है कि जो सर्किट के अंदर का होता है फ्लूड का प्रेशर वो थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है सडनली। तो उस टाइम अचानक से हम लोग एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है और पंप उतना जल्दी अचानक से उतना एनर्जी सप्लाई नहीं कर पाता है क्योंकि पंप तो कंटिन्यूसली सेम एनर्जी सप्लाई कर रहा है वो। तो उस टाइम जब एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो हमें एक्यूमुलेटर ही सप्लाई करता है, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर ही सप्लाई करता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या पॉइंट दिया है, हम लोगों ने डिटेल समझ लिया है फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर्स आर एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, वो हमने बताया कि एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। इट इज़ ए सिमिलर टू रिचार्जेबल बैटरीज इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जैसे हम लोग रिचार्जेबल बैटरी यूज़ करते हैं कि अगर पावर कट हो गया है तो बैटरी हमारा सप्लाई कर देगा जिससे कि शट डाउन नहीं होगा। घरों में हम लोग इन्वर्टर यूज़ करते हैं कि पावर अगर कट गया है, हम लोग कोई फंक्शन कोई काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं तो हमारा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, हम लोग जो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, टीवी देख रहे हैं तो वो उसमें इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो एक तरह का रिचार्जेबल बैटरी है, ये भी एक तरह का रिचार्जेबल समझ लीजिए बैटरी जैसा काम करता है, स्टोरेज डिवाइस है। इसके बाद क्या होता है, इट स्टोर एंड डिस्चार्ज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्रेशराइज फ्लूड एंड यूज टू इम्प्रूव हाइड्रोलिक सिस्टम एफिशिएंसी। वही बताया गया है कि ये क्या करता है, स्टोर करता है और डिस्चार्ज करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्रेशराइज फ्लूड। प्रेशराइज फ्लूड को ये स्टोर करता है और एनर्जी के फॉर्म में, और जब भी ज़रूरत होता है तो उसको सप्लाई करके हाइड्रोलिक सिस्टम का एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। उससे अगर वहाँ पर रिक्वायरमेंट है एनर्जी का, प्रेशर का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और वहाँ पर अचानक से डाउन हो जाता है तो ये इसको सप्लाई देकर वहाँ उसका एफिशिएंसी को मेंटेन रखता है, इम्प्रूव करता है। थर्ड क्या बोल रहा है, इट इज़ अ प्रेशर वेसल्स दैट होल्ड हाइड्रोलिक फ्लूड एंड अ कंप्रेसिबल गैस। आगे देखेंगे हम लोग, एक प्रेशर वेसल जैसा होता है, एक समझ लीजिए एक बर्तन जैसा होता है, जैसे आप देखे होंगे ये गीज़र जैसे गीज़र लगा हुआ होता है हमारे वॉशरूम में, गीज़र लगा हुआ होता है उसी टाइप का सेम जैसा नज़र आता है। इसमें क्या होता है, दो तरह का चीज़ यूज़ किया जाता है, एक तो हाइड्रोलिक फ्लूड भी यूज़ किया जाता है और एक कंप्रेसिबल गैस भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एग्जांपल नाइट्रोजन का दिया है, नाइट्रोजन हम यूज़ करते हैं, कोई भी कंप्रेसिबल गैस है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। कंप्रेसिबल गैस दो चैम्बर बना होता है, एक में कंप्रेसिबल गैस लगा होता है रखा होता है, दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होता है, वो अलग अलग सेपरेट किया हुआ होता है। सेपरेट कैसे होता है वो आगे हम लोग देखेंगे, डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पर समझ में आएगा। यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोलिक फ्लूड भी होता है और कंप्रेसिबल गैस भी होता है। फिर लास्ट पॉइंट देखें यहाँ पर इस स्लाइड का, द हाउसिंग और शेल इज़ मेड ऑफ मटेरियल्स लाइक स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम। जो उसका शेल बना होता है, जो हम लोग प्रेशर वेसल देखा उसका शेल जो होता है वो आपको स्टील का बना होता है या स्टेनलेस स्टील का बना होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है, कोई भी मेटल मटेरियल का बना होता है। आगे देखते हैं आगे क्या है, ये हमारा इसका डायग्राम है। यहाँ पर हमने बताया कि दो पार्ट अलग अलग होता है, ये जो है ब्लैडर एक्यूमुलेटर है, ये हमारा पिस्टन एक्यूमुलेटर है। तो यहाँ पर जो ब्लू नज़र आ रहा है ये हमारा ब्लैडर है, या एक तरह का बैग यहाँ लिखा हुआ वही है, एक बैग है या रबर का बना होता है, बैग है या ब्लैडर इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, गैस भरा होता है, कंप्रेसिबल गैस भरा होता है। और जो ये येलो येलो नज़र आ रहा है ये हमारा प्रेशराइज फ्लूड है, जो हाइड्रोलिक वायल जो यूज़ करते हैं सर्किट में वही है यहाँ पर। उसी तरह से ये ब्लैडर एक्यूमुलेटर था, यहाँ पर क्या है कि ये पिस्टन एक्यूमुलेटर है। तो पिस्टन एक्यूमुलेटर क्या करता है, पिस्टन गैस को इस हाइड्रोलिक फ्लूड से अलग करके रखता है। गैस यहाँ पर है भरा हुआ, यहाँ पर हाइड्रोलिक फ्लूड है, यहाँ पर जो सर्किट है ऐसे ऐसे सप्लाई करते रहता है। फिर से यहाँ पर डब कर देते हैं इसको पूरा, ऐसे यहाँ पर पाइप है, पाइप से यहाँ पर हाइड्रोलिक फ्लूड यहाँ इन कर रहा है और फिर आगे जा रहा है, कंटिन्यूसली आगे सप्लाई कर रहा है। ये अलग फिगर है, ये फिलहाल इसको अलग कर देते हैं, जहाँ पर भी हम लोग को जाना है वहाँ ये सप्लाई जा रहा है। तो होता क्या है वो हमने देखना है, यहाँ पर हाइड्रोलिक फ्लूड है, इसका प्रेशर हाई है, गैस है यहाँ पर, फ्लूड हमारा इन कर गया, इस गैस को यहाँ पर कंप्रेस करता है, कंप्रेसिबल गैस है तो यहाँ पर कंप्रेस करके थोड़ा सा इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा में इसको कंप्रेस करके यहाँ तक पहुँचा दिया। अब जब इस गैस का और इस फ्लूड का
इस ब्लू वाले पार्ट का, इस येलो वाले पार्ट का जब प्रेशर दोनों का सेम हो जाएगा तब इसको कंप्रेस करना छोड़ देगा, क्योंकि कंप्रेसिबल गैस है तो वो कंप्रेस होगा ही, और फ्लूड का यहाँ पर प्रेशर तो सप्लाई पंप से हो ही रहा है प्रेशराइज फ्लूड का, तो इसके प्रेशर की वजह से ये गैस जो होता है वो कंप्रेस होता है, एक लिमिट तक वो कंप्रेस हो जाएगा, जहाँ पर दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा वहाँ पर कंप्रेशन उसका बंद हो जाएगा, और फ्लूड इसमें भी जा रहा था इस एक्यूमुलेटर में और फ्लूड आगे भी जा रहा था। जब भी एक्चुएटर काम करता है, मान लीजिए यहाँ पर एक्चुएटर में गया, एक्चुएटर वर्क किया, यहाँ पर सडनली यहाँ पर इस सर्किट में यहाँ पर मान लीजिए प्रेशर हमारा डाउन हो गया, प्रेशर हमारा सर्किट में फ्लूड का प्रेशर जो था इसमें डाउन हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर एक्चुएटर काम करने की वजह से फ्लूड का प्रेशर डाउन हो गया सर्किट में, तो क्या करेगा, जो गैस था गैस तो कंप्रेस हुआ और एक्यूमुलेटर में जो फ्लूड भरा हुआ है और गैस भरा हुआ है, जब बाहर का प्रेशर डाउन हुआ तो जो फ्लूड था वो बाहर निकलना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर गैस कंप्रेस हुआ हुआ है, गैस चाहेगा कि हम एक्सपैंड हो, जैसे ही प्रेशर यहाँ पर का पाइप का डाउन होगा वो एक्सपैंड होना चाहेगा, वो गैस एक्सपैंड होना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, इस फ्लूड को बाहर की तरफ पुश करना स्टार्ट कर देगा, फ्लूड को बाहर की तरफ पुश करके स्टार्ट कर देगा और प्रेशराइज फ्लूड का सप्लाई बाहर में सर्किट में कर देगा, एट ए टाइम जहाँ पर जब हम लोग को ज़रूरत होगा वहाँ पर सप्लाई कर देगा। वही चीज़ यहाँ पर बोला है कि एक ब्लैडर होता है, ब्लैडर में कंप्रेस फ्लूड भरा हुआ होता है, ब्लैडर में गैस भरा होता है, इस फ्लूड के प्रेशर की वजह से वो कंप्रेस हो जाता है, मान लीजिए इतना छोटा में वो कंप्रेस हो गया, अब नॉर्मल कंडीशन में ये हमारा ऐसे कंप्रेस हो गया रखा हुआ है वहाँ पर, वो वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही इस सर्किट में इस वाले पाइप में फ्लूड का प्रेशर डिक्रीज़ होता है, वॉयल का प्रेशर डिक्रीज़ होता है, तो ये अंदर का भी प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगेगा और ये गैस जो था वो कंप्रेस हो गया था वो चाहेगा कि हम फिर से एक्सपैंड हो जाए, एक्सपैंड होने के लिए क्या करेगा, वो फिर फ्लूड को वापस इस सर्किट में सप्लाई करेगा, प्रेशराइज फ्लूड को वापस सर्किट में सप्लाई करके इस बाहर का प्रेशर को वो फिर से मेंटेन कर देगा जब तक ज़रूरत होगा, फिर पंप जो था थोड़े सेकंड के लिए, मतलब 2 से 3 सेकंड के लिए ही काम करना रहता है, 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड के लिए वो सप्लाई किया, उसके बाद पंप तो हमारा काम कर रहा है, पंप फिर बाकी जो प्रेशर चाहिए था वो मेंटेन कर देगा, लेकिन सडनली जो अचानक से इंस्टेंट कंडीशन पे हम लोग चाहिए होता है उसके लिए हम लोग एक्यूमुलेटर यूज़ करते हैं। ये था ब्लैडर वाला, पिस्टन का भी सेम फंक्शन है, यहाँ पर पिस्टन, वहाँ पर ब्लैडर की जगह पर पिस्टन हम लोग यूज़ कर लेंगे, ये हमारा गैस है, यहाँ पर पिस्टन है, फ्लूड हमारा इसको प्रेस करके पिस्टन को यहाँ पर पहुँचा देगा, ये फ्लूड जो गैस था यहाँ पर वो कंप्रेस हो जाएगा नॉर्मल कंडीशन में। अब जब बाहर का पाइप का यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया तब क्या करेगा, ये गैस फिर एक्सपैंड होना चाहेगा, ये पिस्टन को पुश करके फिर यहाँ पर पहुँचा देगा और जो भी यहाँ फ्लूड था वो उसका सप्लाई पुश करके भेजेगा, तो प्रेशराइज फ्लूड हमारा सप्लाई सर्किट में हो जाएगा, जिससे क्या हुआ सर्किट का प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद फिर जैसे ही पंप का सप्लाई नॉर्मल हो गया, पंप उसको मेंटेन कर दिया, तो फिर क्या होगा, फिर हमारा इसमें गैस, इसमें फ्लूड हमारा इन कर जाएगा, फिर हमारा इसमें फ्लूड इन कर जाएगा और फिर हमारा सेम इसको कंप्रेस कर देगा, इस गैस को कंप्रेस कर देगा, वो कंटिन्यूसली होते रहता है, जैसे फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील में एनर्जी स्टोर हो गया, फिर वो फ्लाईव्हील एनर्जी सप्लाई कर दिया, फिर जैसे ही पावर स्टोक आया फिर एनर्जी उसको मिल गया, उस तरह से यहाँ पर भी होते रहता है, जैसे ही एनर्जी प्रेशर मेंटेन हो गया, प्रेशर इंक्रीज़ हो गया तो फिर एक्यूमुलेटर में चला गया, प्रेशर सर्किट का डिक्रीज़ हो गया तो एक्यूमुलेटर क्या हुआ उसको फिर से सप्लाई कर दिया। यही था हमारा एक्यूमुलेटर का फंक्शन पूरा, आगे देख लेते हैं आगे के स्लाइड में क्या क्या डिस्कस किया गया है। उसके बाद बोल रहा है इनसाइड इट अ मूवेबल बैरियर पिस्टन या रबर ब्लैडर विच सेपरेट द वायल फ्रॉम द गैस। वो हम लोग डायग्राम में देखें कि क्या होता है, एक पिस्टन लगा हो सकता है या एक रबर लगा हो सकता है, रबर ब्लैडर लगा हो सकता है जो वायल को गैस से सेपरेट करता है, वो भी हम लोग देख लिए हैं। इनिशियली सेकंड देख रहे हैं, इनिशियली गैसेज आर फिल्ड इन द ब्लैडर प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर। ये हम लोग सिर्फ ब्लैडर वाला डिस्कस कर रहे हैं, ब्लैडर इनिशियली जो होता है ब्लैडर में गैसेज भरा होता है जो एक्यूमुलेटर के अंदर प्रेजेंट होता है, दिस फील्स मोस्ट ऑफ द एक्यूमुलेटर। इनिशियली क्या होता है कि ज़्यादा एरिया हमारा ब्लैडर गैस जो होता है वो भरा रहता ले लेता है और छोटा सा एरिया में हमारा फ्लूड होता है, छोटा सा एरिया में हमारा फ्लूड होता है। उसके बाद देखते हैं क्या है, थर्ड पॉइंट बोल रहा है इन ऑपरेशन हाइड्रोलिक सिस्टम राइजेज सिस्टम प्रेशर एंड फोर्सेस फ्लूड टू इंटर द एक्यूमुलेटर। जब ऑपरेशन होते रहता है इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम में तो क्या करता है, प्रेशर को राइज करता है और फोर्सेस फ्लूड टू इंटर द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में जो होता है फ्लूड जो होता है प्रेशराइज फ्लूड वो इन कर जाता है नॉर्मल कंडीशन में, जब हमारा नॉर्मल कंडीशन में फ्लूड हमारा फ्लो हो रहा है सर्किट से तो क्या होता है कि प्रेशराइज फ्लूड है तो वो हमारा इसमें भी इन कर जाता है, एक्यूमुलेटर में इन कर जाता है, क्योंकि वहाँ पर गैस भरा हुआ है, फिलहाल स्टार्टिंग में फ्लूड उसमें है नहीं तो गैस भरा हुआ था तो वो फ्लूड प्रेशराइज फ्लूड वहाँ पर इन कर गया। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है द ब्लैडर मूव्स एंड कंप्रेस द गैस वॉल्यूम। जो प्रेशराइज फ्लूड आया तो उससे उसके वजह से क्या होगा, ब्लैडर जो हो गया वो पीछे का साइड मूव करने लगा और वो कम उसमें जो गैस भरा हुआ था उसको कंप्रेस करने लगा, बिकॉज फ्लूड प्रेशर इज मोर देन गैस प्रेशर। वही बोल रहा है गैस का प्रेशर स्टार्टिंग में कम था
जो हाइड्रोलिक सर्किट में जो फ्लूड आया वो क्या हुआ, एक्यूमुलेटर में इन किया, एक्यूमुलेटर में इन करने की वजह से प्रेशर उसका ज़्यादा था, तो वो क्या किया, गैस को कंप्रेस किया, ब्लैडर या पिस्टन पीछे की तरफ मूव करेगा और गैस को कंप्रेस कर देगा वहाँ पर। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है मूवमेंट स्टॉप्स व्हेन सिस्टम एंड गैस प्रेशर आर बैलेंस्ड। अब जो पिस्टन या ब्लैडर मूव कर रहा था पीछे के साइड, उसका मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा जब फ्लूड का जो वायल का प्रेशर और गैस का प्रेशर जो दोनों बैलेंस्ड हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा गैस का कंप्रेशन बंद हो जाएगा और हमारा मूवमेंट वहाँ पर बंद हो जाएगा। लास्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन डाउनस्ट्रीम एक्शन सच एज एक्चुएटर मूवमेंट, जब एक्चुएटर का मूवमेंट होगा, डाउनस्ट्रीम एक्शन होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम प्रेशर फॉल्स, उस कंडीशन में हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रेशर जो होता है फॉल हो जाता है एंड एक्यूमुलेटर रिलीजेज द स्टोर्ड प्रेशर फ्लूड टू द सर्किट। यहाँ पे इसको रब कर देते हैं फिर से, यहाँ देखते हैं बोल रहा है कि जब एक्चुएटर का मूवमेंट होता है तो उस कंडीशन में हाइड्रोलिक सिस्टम प्रेशर फॉल्स, सिस्टम का प्रेशर जो होता है फॉल गिर जाता है, उसके बाद एक्यूमुलेटर रिलीजेज द स्टोर्ड प्रेशराइज फ्लूड टू द सर्किट। एक्यूमुलेटर में जो प्रेशराइज फ्लूड स्टोर्ड था उस कंडीशन में एक्यूमुलेटर सप्लाई करता है और फिर उसका सिस्टम का सर्किट का प्रेशर को फिर से मेंटेन कर लेता है, जो सडन जो दो से तीन सेकंड या पाँच सेकंड के लिए रिक्वायरमेंट होता है वो उसको फिल कर देता है। उसके बाद पंप फिर से तो सप्लाई कर ही रहा था, लेकिन इंस्टेंट जो रिक्वायरमेंट हुआ उसको फिल कौन सा किया, एक्यूमुलेटर फिल कर दिया और फिर नॉर्मल कंडीशन में ला कर सर्किट को फिर पंप जो सप्लाई किया, फिर वहाँ से फ्लूड हमारा एक्यूमुलेटर में इन करेगा, फिर से गैस को कंप्रेस करेगा, फिर से सेम कंडीशन होने वाला है, जब भी रिक्वायरमेंट होगा तो हमारा एक्यूमुलेटर क्लियर कर देगा। तो सेकंड यूनिट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड यूनिट को स्टार्ट करेंगे, जो हाइड्रोलिक सर्किट हमने पढ़ना है, हाइड्रोलिक सर्किट देखेंगे वहाँ पर कितने टाइप का पढ़ना है, ब्लीड ऑफ सर्किट, मीटर इन सर्किट, मीटर आउट सर्किट और भी बहुत सारा का सर्किट देखना है वहाँ पर, तीन चार सर्किट देखना है, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेटिक में सिस्टम में इन करेंगे। ये था हमारा यूनिट टू का लास्ट लेक्चर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।